नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। पलवल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जमीनी विवाद के चलते लगभग दर्जन भर लोग एक परिवार पर कुल्हाड़ी, लोहे की रोड, लाठी व अवैध हथियारों से लैस होकर हमला कर रहे हैं। हमले में परिवार के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए पलवल के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिसके चलते पीड़ित परिवार भय के साए में है और पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। पलवल गाँव चिरवाड़ी निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि उनके परिवार की लगभग 1.5 बीघा जमीन गांव निवासी कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा रखी है, जबकि जमीन कागजातों में पीड़ित परिवार के नाम पर है। गत 25 नवंबर की सुबह पीड़ित के परिवार से सतीश अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान गांव निवासी सतबीर, तोताराम, रामबीर, सौदाम, श्याम, कल्लू, राज सिंह, भारत व उनके 3-4 अन्य साथियों ने कुल्हाड़ी, लोहे की रोड, लाठी व अवैध हथियारों से पीड़ित के परिवार पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। आरोपियों द्वारा गोली भी चलाई गई, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। हमले की सारी वारदात गली के नुक्कड़ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपियों के हमले से पीड़ित के परिवार से हुकुम, परसराम, वीरेंद्र, नवीन, अमित, ओमवती, गीता, खजानी व राजेश गंभीर रूप से घायल हो। घायल अवस्था में उपचार के लिए सभी को पलवल के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं चांद्रहट थाना प्रभारी कृष्णकांत का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला जी, हमारी कुछ जमीन पुश्तैनी है जो हमारे नाम है, वो दूसरे पक्ष जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की है उनके कब्जे में। वो घने दिन से हम पे इस चीज का दबाव बना रहे हैं कि इस जमीन को हमारे नाम करो। 2 महीने से पहले भी हमने थाने में FIR की थी पुलिस के पास में। घने दिनों से ये इस प्लान में थे कि इनको मारें। कल इन्होंने प्लान बना के लेडीजों से बदतमीजी की है। बल्लम फरसा, तलवार, कट्टा, सब चीज़ों से उन्होंने बहुत ज़्यादा चोटिल किया है। पुलिस उठी नहीं रही है जी। मुकदमा दर्ज कर तो लिया, अभी कोई पता नहीं। हम दे आए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन ढीला आ गया थे, कोई देखने वाला नहीं है जी। तलवार, बल्लम फरसा, कट्टा, लाठी, जो भी चीज़ उनके है, मतलब वाहियात तत्व है ये। इसमें जो सोदामा है ये गुंडा टाइप का है, इस पे फायर भी किया था वहाँ पे खेतों पे जी। घर में भी मतलब पहले घर पे चढ़ाई की है, फिर खेतों पे जनानी काम कर रही थी, वहाँ इनसे बदतमीजी की है, इनके कपड़े फाड़े। ये चिरवाड़ी गांव का है और ये एक ही परिवार के लोग हैं। इनका जमीन का विवाद है, 1 बीघा जमीन धरती के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसमें जो कंप्लेंट पार्टी उसने शिकायत करी है, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया संबंधित धाराओं में और धरपकड़ जारी है। जल्दी दबस लिख के जाकर जल्दी पकड़ जाएंगे आरोपी। हाँ, इसमें 9 MLR कटी हुई है और 1-2 बंदे एडमिट हैं गुरु नानक हॉस्पिटल में। कार्रवाई की जा रही है अनुसंधान अधिकारी द्वारा। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।